पूरा विश्व का सबसे बड़ा नौटंकी नेत्री है ममता बंदोपाध्याय। देश को शर्मसार करने वाली घटना है। बंगाल में प्रशासन से एक्शन नहीं होता। क्योंकि वो बहुत गलत इंसान थे, स्टूडेंट लोगों को फेल कराते थे, फेल करा करके उनसे पैसे लेना। उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट का सबसे पहले मैंने एक्सपोज किया था उनको। इतना गलत तरीके से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बनाना और ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाना, ये भी पहली बार देशवासियों को देखने को मिल रहा है। तो वो इतना प्रभावशाली है, 24 घंटा में ट्रांसफर को रिवाइंड करके आ जाते थे, एक महीना से मैं आ जाते हैं कहीं भी भेजे, क्योंकि वहाँ उनका गढ़ है। उनका जो करप्शन था, उनका जो मैल प्रैक्टिस था, उसके अगेंस्ट में मैंने आवाज उठाया। कोई ना कोई तो गलत साजिश है ही। कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल को उन्होंने प्रमोशन दे दिया। तो संदीप घोष है जिनका अगेंस्ट में इतना एलिगेशन है, उसको आरजी कोर से उठा के ट्रांसफर करके नेशनल मेडिकल कॉलेज में दे दिया। प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया गया बाइज्जत। कोई ऐसा कर सकता है क्या? आप खुद देखिए गिल्ट कहां कहां पे छुपा हुआ है। सीबीआई ने तो यहां तक बता दिया है कि जो वहां घटना स्थल है उसके साथ छेड़छाड़ है। और तो मजांदा होगा, जरूर जानता है, डिपार्टमेंट का अंदर हुआ है, नहीं जानेगा? हमारा जो हमारा पास कोई काम करेगा उसका जिम्मेदार हमारा नहीं है। एक स्टूडेंट का ग्रुप तैयार करके रखा था, जिनको बैठा के शराब पिलाते थे, उनसे पैसा कलेक्ट करवाते थे। डॉक्टर संदीप घोष, कोलकाता रेप और मर्डर केस का एक ऐसा संदिग्ध किरदार जिसकी स्याह भूमिका पर एक थ्रिलर फिल्म बन सकती है। ये बहुत मेंटल प्रेशर में रखते सबको, पूरा प्रोफेसर एचओडी। 9 अगस्त के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के जिंदगी के कई पहलू सामने आए हैं। कुछ छात्रों के लिए वो कभी हीरो था, किसी की जिंदगी का विलन रहा। दामन पर करप्शन के आरोप भी हैं। कॉलेज के छात्रों के साथ शराब पार्टी का भी शौक था। सियासी पकड़ के दम पर इस मुश्किल घड़ी में भी ओएसडी के पद तक पहुंचने का पावर, और अब क्राइम की दुनिया में भी एक बड़ा सस्पेक्ट बन गया है। सीबीआई कभी भी उसकी गर्दन दबोच सकती है, लेकिन सवाल है कब और कितना वक्त लगेगा। 16 अगस्त से सीबीआई हर दिन 10 से 15 घंटे पूछताछ करती रही, करीब 90 घंटे से ज्यादा की पूछताछ में सीबीआई को क्या मिला? सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर संदीप घोष बार बार सीबीआई के दफ्तर जाता है, लेकिन बिल्कुल खामोश रहता है, सीबीआई के सवालों के जवाब देने से बचता है, और अगर कुछ बोलता भी है तो उसमें सवालों के जवाब नहीं होते। सवाल यह है कि डॉक्टर संदीप घोष के सीने में आरजीकर हॉस्पिटल के कौन से राज हैं? सीबीआई के सामने चुप्पी किसी को बचाने की कोशिश है या खुद के फंसने का डर? कोलकाता के जिस अस्पताल में रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की बेरहमी से हत्या की गई, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अब सवालों का शिकंजा कसता जा रहा है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में भी कई बड़े खुलासे हुए हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि डॉक्टर संदीप घोष की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं। स्टिंग ऑपरेशन के चौंकाने वाले हिस्से देखने से पहले कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई की अब तक की कोशिशों को समझना जरूरी है। 24 अगस्त दिन शनिवार, सीबीआई ने 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। इनमें मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, घटना से पहले ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर
और एक वॉलंटियर शामिल है। 14 अगस्त से ही सीबीआई कुछ सवालों का जवाब तलाश रही थी, लेकिन जब सच सामने नहीं आया तो सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, क्योंकि इसी के जरिए गुत्थी सुलझाने की कोशिश है। उनमें पहला सवाल है, सबसे पहले आपको क्या बताया गया? दूसरा सवाल, वारदात की सूचना मिलने पर आपने क्या किया? तीसरा सवाल, पीड़िता की डेड बॉडी के लिए परिजनों को 3 घंटे तक इंतजार क्यों करवाया? और चौथा सवाल, किसके कहने पर सेमिनार हॉल के पास रिनोवेशन के आदेश जारी किए? बुधवार से ही सीबीआई इन 4 सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रिंसिपल के दर्ज बयान कई अन्य लोगों के बयान से मेल नहीं खा रहे, लिहाजा शक गहरा गया है। डॉक्टर संदीप घोष से 23 अगस्त तक 88 घंटे तक पूछताछ हुई। 16 अगस्त को करीब 15 घंटे पूछताछ की गई। सीबीआई ने वारदात के अगले दिन के घटनाक्रम के बारे में पूछा। उस दिन अस्पताल की ओर से मीडिया में दिए गए बयान का आधार पूछा। घटना की जानकारी कितने बजे और किससे मिली, उसके बाद किसको बताया, ये भी पूछा। ये सवाल सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय में संदीप घोष की कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद पूछे गए। उसी दिन यानी 16 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने पुलिस सुरक्षा की मांग की, अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने कोई आदेश नहीं दिया। संदीप घोष को कहीं से कोई राहत नहीं मिली। 16 अगस्त से ही सीबीआई दफ्तर में घोष के आने का सिलसिला शुरू हुआ। 17 अगस्त को 12 से 14 घंटे तक पूछताछ की गई। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि संदीप घोष का बयान दूसरों के बयान से कितना मेल खाता है। सीबीआई जानना चाहती थी कि वो आखिरी व्यक्ति कौन था जिसने उस रात पीड़िता को देखा था। इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश में 18 अगस्त को भी डॉक्टर संदीप घोष से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की गई। रविवार तक सीबीआई ने 25 घंटे की पूछताछ में करीब 100 सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड मोबाइल को अनलॉक करवा कर उससे कई सवाल किए गए, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसलिए सीबीआई ने पूछताछ का सिलसिला नहीं रोका। 19 अगस्त को संदीप घोष से 13 घंटे की पूछताछ की गई। पूछा गया, सेमिनार रूम के बगल वाला हिस्सा टूटा हुआ क्यों था? सूत्रों के मुताबिक इस सवाल का जवाब साफ साफ नहीं मिलने से सीबीआई की टीम नाखुश दिखी। पीड़ित परिवार के बयान और संदीप के बयान में काफी अंतर मिला। 19 अगस्त को ही सीबीआई ने संदीप के बयानों की वीडियोग्राफी कराने का फैसला लिया। 20 अगस्त को भी उलझी कड़ियों को सुलझाने के लिए 11 घंटे तक सवाल जवाब हुए। दूसरी ओर उसी दिन कोलकाता पुलिस ने भ्रष्टाचार के एक मामले में संदीप घोष और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया और 21 अगस्त को वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई। 21 अगस्त के दिन ही सीबीआई ने संदीप घोष से 11 घंटे तक सवाल पूछे। यानी एक ओर सीबीआई डॉक्टर रेप मर्डर केस की पड़ताल कर रही है, तो दूसरी ओर कोलकाता पुलिस ने भ्रष्टाचार की फाइलें खोलकर जांच करना शुरू कर दिया है। उसी दिन संजय रॉय और ASI अनूप दत्ता की तस्वीर सामने आई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ASI अनूप दत्ता और मुख्य आरोपी संजय रॉय के बीच गहरी दोस्ती थी। अनूप दत्ता से इंट्रोगेशन में सीबीआई ने संजय रॉय और संदीप घोष के कनेक्शन के बारे में भी पूछताछ की। 21 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष को 2 और बड़े झटके लगे जब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। डॉक्टर घोष ने अपने बारे में मीडिया में खबरें प्रसारित और प्रकाशित किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद दूसरा बड़ा झटका पश्चिम बंगाल सरकार से लगा, जब सरकार ने डॉक्टर घोष का ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कर दिया। 7वें दिन यानी 22 अगस्त को भी 13 घंटे तक पूछताछ चली, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसी दिन कोर्ट में संदीप घोष समेत 6 लोगों का गोपनीय बयान लिया गया और सच का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई। उसी दिन संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मिल गई। 23 अगस्त को मुख्य आरोपी संजय रॉय ने भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सहमति दे दी। इसके बाद सीबीआई सच से सामना कराने की तैयारी में जुट गई। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की संदिग्ध भूमिका मानी जा रही है। बीजेपी इसे लेकर 9 अगस्त से ही सवाल उठा रही है।
मूल प्रश्न ये उठता है कि अगर इस व्यक्ति ने पिछले साल ही इन सारी गतिविधियों के बारे में सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया, आगाह किया या सरकार से निवेदन किया, गुजारिश की कि इसके ऊपर छानबीन होनी चाहिए, तो वो कौन व्यक्ति है जिसने कोई भी कार्यवाही इतने जघन्य अपराधों के लिए नहीं की? वो कौन है जो अर्जीकार में इस प्रकार के गोरख धंधों को संरक्षण दे रहा है? ऐसे सवालों का सच जानने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर अपने खुफिया कैमरे के साथ ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने वाली टीम में शामिल डॉक्टर के पास पहुंची। हम जानना चाहते थे कि क्या क्राइम सीन पर जानबूझकर सबूतों से छेड़छाड़ की गई। सुनिए। अभी तो एक्चुअली दैट टाइम सभी को ही रुका गया था, हो सकता है इसीलिए कुछ ऐसी बात चल रही। मैं उस टाइम पे यहाँ से कोई पुलिस के साथ में तो नेता भी आ रहा था। सवाल ये है कि पहले पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? बाहर के लोगों को कैसे क्राइम सीन पर दाखिल होने दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि वकील क्यों आया था? कहीं इसका मतलब सबूतों को नष्ट करना तो नहीं था? इस बीच जब हमने पूछा कि प्रिंसिपल ने सुसाइड वाली थ्योरी किसके कहने पर गढ़ी, तो एक और किरदार का नाम सामने आ गया। एक आदमी है जो अलग इंडिविजुअल आपको कहीं से नंबर मिला है? डॉक्टर देवाशीष शो उन्होंने क्या किया था? देवाशीष शो में हिंदी बोला ना? हाँ, क्या किया नहीं, ही इज द एडवाइजर ऑफ डॉक्टर संदीप घोष। मैक्सिमम टाइम देवाशीष शो को फोन किया, उन्होंने ही सभी को अरेंज किया। एक लॉयर भी आया था जिसको आना नहीं चाहिए, उसी टाइम में लॉयर की जरूरत क्या है? और अलग सारा बाहर का आदमी, लोगों का इन्फ्लुएंशियल सभी ने आया था, सभी का सब मीटिंग वीटिंग हुआ। मे बी आफ्टर दैट दे हैव अनाउंस्ड, आई डोंट नो द टाइम एंड ऑल। राउस के इसलिए राउस के आगे वो साइड ये बोल सकता है। यही है वो नया किरदार। दावा है कि संदीप घोष उसकी सलाह पर काम करता था और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन्स। He is the demonstrator of forensic medicine in my department. Now we think he has the praise of power, and that's why he has become the advisor of Dr. Sandeep Ghosh. And Dr. Sandeep Ghosh even just वो जो बोलता है उसी टाइप से चलता है, तो बहुत मानता है। And he is a criminal minded person. मोबाइल से उसी से ज्यादा बात हुआ है, उसी का नंबर आ रहा है। क्योंकि ये आदमी सब कुछ जानता है। एबीपी न्यूज ने ऐसे कई खुलासे किए, लेकिन अभी आपने जो देखा वो बताने के लिए काफी है कि सीबीआई ने डॉक्टर संदीप घोष से 90 घंटे से भी ज्यादा देर तक पूछताछ क्यों की। पूरे केस की दिशा को सही दिशा में ले जाने वाला है एबीपी न्यूज का ये स्टिंग ऑपरेशन। जो लोग तरह तरह की बात कर रहे थे, उन सबको जवाब है ये स्टिंग ऑपरेशन कि किस तरह पोस्टमार्टम से पहले माहौल बनाया गया, डॉक्टर्स के साथ वकील और नेता वहां पहुंच गए, कहीं पोस्टमार्टम में पहुंचते हैं। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, उन पर कई गंभीर आरोप हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर कार्यभार संभालने के 2 साल बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने राज्य सतर्कता आयोग में संदीप घोष के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें घोष पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट का सबसे पहले मैंने एक्सपोज किया था उनको
कि ये जो यूज सिरिंज डिस्पोजेबल नीडल और स्लाइम बोतल होते हैं उनका एडिशनल सिक्योरिटी था अफसर अली खान, वो उन चीज़ों को बेचा करता था। और जो बांग्लादेश सिटीजन जो है वो रवि और पांचू नाम था, वो इसको खरीद के बांग्लादेश में रिसाइकिल करता था। इसको मैंने 20 मार्च 2023 को एक्सपोज किया था और मैंने रिटर्न इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया था चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी को। संदीप घोष पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को टारगेट करने, उनकी रैगिंग करने और उन्हें शराब पिलाने का भी आरोप है। उनका जो करप्शन था, उनका जो मैल प्रैक्टिस था, उसके अगेंस्ट में मैंने आवाज़ उठाया था। कोई उनके अगेंस्ट में बोलने का हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत गलत इंसान थे। स्टूडेंट लोगों को फेल कराते थे, फेल करा करके उनसे पैसे लेना, प्लस उन्होंने एक स्टूडेंट का ग्रुप तैयार करके रखा था जिनको बैठा के शराब पिलाते थे, उनसे पैसा कलेक्ट करवाते थे और जूनियर स्टूडेंट लोगों को धमकाना डराना इन लोगों का काम था। संदीप घोष पर अनक्लेम्ड डेड बॉडी को प्राइवेट हॉस्पिटल को देने और शवों की हेरा फेरी करने के भी आरोप हैं। यही नहीं, छात्रों को सप्लीमेंट्री में पास करने, फेल होने वालों को पास कराने के बदले 10 लाख रुपए लेने के आरोप भी उन पर लगते रहे हैं। एक डिजिटल कैथ लैब सेटअप, डिजिटल स्किल लैब सेटअप हुआ था, उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था माथरा ट्रेडर्स नाम की कंपनी को, संदीप घोष ने दिया था, उनका सिग्नेचर है ये। उसका प्राइस था 2,97,36,000, ये खर्चा किया गया था। सेम सेटअप एक हुआ था डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज में, उसका कॉस्ट था ओनली 61,47,000। 61,47,000 का चीज़ 2,97,00,000 में कैसा गया? सरकार को मालूम नहीं, फिनांस डिपार्टमेंट को मालूम नहीं, ये तो हो नहीं सकता। आरजीकर कॉलेज का करोड़ों रुपयों का कचरा तस्करी करवाकर बांग्लादेश भेजने के मामले में जांच समिति गठित की गई। घोष दोषी पाए गए, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल 4 शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ के आरोप भी लगे, इसके खिलाफ भी जांच कमेटी बनी, राष्ट्रीय आयोग में भी शिकायत की गई, हाई कोर्ट में भी PIL की गई, लेकिन घोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस दिन मैंने रिपोर्ट सबमिट किया वो इतने रसूख वाले थे कि उसी दिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया। फिर 2 दिनों में और भी जो लोग थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद ये कमेटी को डिसॉल्व करके ये पूरे रिपोर्ट को छाप दिया गया। इस मामले में किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2021 में हॉस्पिटल में कुछ भी काम करवाने पर प्रति टेंडर 20% कमीशन लेने के आरोप लगे। जून 2024 में स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव देवल कुमार घोष ने फिर शिकायत की, जिसके बाद सरकारी कामों के लिए रिश्वत लेने के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कोलकाता पुलिस ने 18 अगस्त 2024 को संदीप घोष के खिलाफ FIR दर्ज किया और मामले को SIT के पास भेज दिया। ABP न्यूज पर ऑपरेशन RG का टेलीकास्ट होने के बाद अस्पताल में वित्तीय अनियमितता का एक और मामला दर्ज हो गया है। CBI इस मामले की जांच में जुट गई है। और एक चीज है, SIT फॉर्म हुआ, कोर्ट का जजमेंट था, जजमेंट में बहुत क्लियर था। जो संदीप घोष का लॉयर था उनसे पूछा गया, तुम्हें SIT लो के प्रॉब्लम है कोई? बोला SIT लेके मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या? उसके बाद CBI के ऑर्डर हुआ, 15 मिनट के अंदर वो चला गया डिवीजन बेंच में, जे केस हैज बीन स्टार्टेड अगेंस्ट मी, आई मे बी सेंट इन टू जेल। क्वेश्चन यहीं से आता है, तो SIT लेके कोई प्रॉब्लम नहीं था, CBI लेके क्यों प्रॉब्लम है? सवाल है कि संदीप घोष इतना पावरफुल कैसे बना? गंभीर आरोपों के बाद भी अब तक किसकी मदद से बचता रहा? संदीप घोष ने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता के पास बोंगाव हाई स्कूल से पूरी की थी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की। डॉक्टर घोष ने 1994 में MBBS की पढ़ाई पूरी की और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बना और साल 2021 में वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनकर आ गया। इससे पहले कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में वो डिप्टी प्रिंसिपल था। आरजीकर से पहले ये था, पहले वो जो था ये बोध हॉस्पिटल में प्रिंसिपल बना था, लेकिन आरजीकर में आने का बाद उन्हें सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट, ड्रग रैकेट का मतलब है ड्रग में से जो मारिजुआना हाशीश हम कहते हैं, ये वैसा नहीं है, ये ड्रग रैकेट है, जो ड्रग्स है असुध है उनका थोड़ा सा काम करता है और बांग्लादेश से इनका बहुत गहरी रिश्ता है और बांग्लादेश में ये स्मगलिंग करता है, ये स्मगलिंग रैकेट है और रैकेट का चीफ है संदीप घोष, ये कहा जाता है। उत्तर कोलकाता के बेलियाघाट इलाके में संदीप घोष का 3 तला मकान है। ये मकान किसी किले से कम नहीं है।
दरअसल जिस हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमराज आधी जगह या तो काम नहीं कर रहे हैं या फिर कम लगे हुए हैं, उनका खुद का घर किस तरह से एक किले में तब्दील किया हुआ है, जहां हर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है जिससे आने जाने वाले पर सब पर नज़र रखी जा सके, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तर कोलकाता में बालाजी निवास है जो कि डॉक्टर संदीप घोष और उनके परिवार का घर है। करीब 3 तल का ये मकान, जहां ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक आपको न जाने कितने सीसीटीवी कैमरास दिख जाएंगे। मैं अगर आपको सिर्फ घर के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो गेट के पास 2 सीसीटीवी कैमरास हैं, अंदर और 2 सीसीटीवी कैमरास हैं, और ये सिर्फ बाहर के गलियारे में हैं। अंदर बताया जा रहा है और भी ज़्यादा हैं। संदीप घोष की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद डॉक्टरों के प्रदर्शन और हड़ताल के बीच घोष ने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद ममता सरकार ने घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, पर छात्रों के आंदोलन के बाद नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से तो हटा दिया, पर ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का पद देकर सम्मानित किया। एक डाटा मैं आपको दे सकता हूं कि 2015 साल में अर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सारे इंडिया में रैंकिंग में नंबर 11 पर था और नॉर्थ ईस्ट जोन में पूरा पूर्व भारत में उन्हें नंबर 1 पर था। 2021 में संजीव घोष आने के बाद, प्रिंसिपल होने के बाद, अभी अर्जिकर का रैंक है ऑल इंडिया में 91। तो इसको जिम्मेदारी तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को लेना ही पड़ेगा ना। जहाँ पे डॉक्टरों को, बहुत सारे डॉक्टरों को नौकरी नहीं मिलती, इनको आपने हटाया, पहले तो ड्रामा किया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ही एमओ नंबर से आपका ऑर्डर निकल गया था मेमो नंबर से कि उनको हटाया जा रहा है। उसके बाद सडनली आपने 4 घंटे के विद इन 4 आवर्स यू हैव अपॉइंटेड हिम इन अनदर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे जाके कोर्ट ने आपको तमाचा मारा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, फिर आप उनको ओएसडी कर दिया हेल्थ मिनिस्ट्री का। तो ये व्यक्ति कौन सा गुप्त रहस्य जानता है जिसके कारण ममता बनर्जी इस डॉक्टर से डर रही है, ममता बनर्जी की सरकार डॉक्टर से डर रही है कि ये डॉक्टर मुंह ना खोल दे। डॉक्टर संदीप घोष की ये सारी ताकत अब सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के सामने कमजोर पड़ने लगी है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर संदीप घोष जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकता है। जब वो बोलेगा तो कई सफेद पोशों के राज खोलेगा और फिर उसे आलिशान कोठी की जिंदगी से खींचकर सलाखों के पीछे डाला जा सकता है।